वेलकम टू उन्नति IAS। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में यह हमारा 12th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बचे हुए अन्य शीर्ष शैक्षिक संस्थानों के बारे में देखेंगे। आज थोड़े से ही रह जाएंगे, तो उसके बाद हमारा एक लेक्चर रह जाएगा, फिर हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में की गई थी, जो भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित करने और क्रियान्वित करने और समाज में भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा, भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा के उपयोग के अनुसंधान क्षेत्रों का संचालन करना तथा भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने में मदद करता है। संस्थान कई व्यापक योजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है। अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए CIIL कई कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें से कुछ हैं भारतीय भाषाओं का विकास। इस योजना में भारतीय भाषाओं को विकसित करने, मानव संसाधन के विकास और आधुनिक भारतीय भाषाओं में सामग्रियों के उत्पादन सहित आदिवासी लघु अल्पसंख्यक भाषाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया है। क्षेत्रीय भाषा केंद्र RLC, इसके भुवनेश्वर, पुणे, मैसूर, पटियाला, गुवाहाटी, सोलन हिमाचल में है, गुवाहाटी असम, लखनऊ में 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं। केंद्र सरकार के त्रिभाषीय फार्मूले, जैसे कि आपको पता होगा नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो आई है 2019 में, उसमें त्रिभाषीय फार्मूले को अपनाने की बात की है सरकार ने। इस फार्मूले के क्रियान्वयन और शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए ये क्षेत्रीय केंद्र कार्य करते हैं। RLCs शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को उनकी मातृभाषा की तुलना में भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। अगला है हमारा कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित करने और परिभाषित करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 21 दिसंबर 1960 को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 दिसंबर 1960 को। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में शब्दावली, निश्चित शब्दकोश, विश्वकोश प्रकाशित करना इसका कार्य है। यह देखने के लिए कि विकसित नियम और उनकी परिभाषाएं छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुंचती हैं, ताकि उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त करके उसमें सुधार सुनिश्चित किया जा सके। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ यह संस्थान समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। अगला है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भारत सरकार द्वारा 1942 के सितंबर में एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, जो भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। CSIR का उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए उपकरण और अनुप्रयोग विकसित करना और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में तेजी लाना है। इसकी पहलों में से एक है थीमेटिक दृष्टिकोण, थीमेटिक अप्रोच, जो बहुविषयक प्रतिभा और बुनियादी ढांचे को पहचानने में मदद करता है, ताकि पहचान योग्य क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। उपरोक्त पहल का गठन निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया गया है। इस पहल जो ये पहल इनिशिएटिव शुरू किया गया है थीमेटिक अप्रोच, इसका निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करने के लिए ये शुरू किया गया है: एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और रणनीतिक क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक एरियाज, नागरिक अवसंरचना और इंजीनियरिंग, सिविल एविएशन, सॉरी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पृथ्वी और महासागर विज्ञान और जल, खनन, खनिज, धातु और सामग्री, रसायन और पेट्रो रसायन, ऊर्जा, पारंपरिक, गैर पारंपरिक और ऊर्जा उपकरण, कृषि, पोषण और बायोटेक तथा स्वास्थ्य देखभाल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन है, जो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित
अनुसंधान और विकास संगठनों में से एक है। मानव संसाधन विकास समूह CSIR का पालन विभिन्न अनुदानों और फेलोशिप योजनाओं आदि के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप की पात्रता के लिए CSIR UGC नेट परीक्षा आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार है। ये CSIR की जो नेट परीक्षा होती है वो सेपरेट कराई जाती है, ये कॉमन UGC नेट के एग्जाम के साथ इसकी परीक्षा नहीं होती है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी CSIR और आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक सहयोगी परियोजना है। पारंपरिक नेटवर्क परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध विरासत के दुरुपयोग को रोकना है। नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, ये हमारा अगला टॉपिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है, जिसे हैदराबाद में अपने मुख्यालय के साथ 19 अक्टूबर 1995 को पंजीकृत किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसका स्थापना 19 अक्टूबर 1995 को की गई थी। ये महात्मा गांधी जी की क्रांतिकारी अवधारणा के आधार पर शिक्षा के साधन के साथ ग्रामीण आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के एक मुख्य उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। जो नई तालीम, ये स्कीम है, नई तालीम की क्रांतिकारी अवधारणा के आधार पर गांधी जी द्वारा प्रस्तावित मूल्यों पर एक कार्यात्मक शिक्षा थी। परिषद के अन्य उद्देश्यों में UGC AICTE जैसी नीति बनाने वाली संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग करके शिक्षकों का प्रशिक्षण, विस्तार और शोध शामिल हैं। शिक्षा के गांधीवादी दर्शन के अनुसार विकसित करने के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों और स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के अलावा CSIR AICTE आदि जैसे शोध प्रबंध शामिल हैं। अगला है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से निपटने का वाला एक प्रमुख संगठन है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संगठन द्वारा किए गए अग्रणी काम के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के साथ डिग्री प्रदान करने का भी अधिकार दिया है। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह NIEPA पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा संरक्षित संस्थान है। 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में इसका उदय हुआ जब यूनेस्को ने शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की, जो बाद में 1965 में शैक्षिक योजना और प्रशासन का एशियाई संस्थान बन गया। अपने अस्तित्व के 4 साल बाद इसे भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया। इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय योजनाकार और प्रशासक के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज रख दिया गया। इसके बाद नेशनल स्टाफ कॉलेज की बढ़ी हुई भूमिकाओं और कार्यों के साथ विशेष रूप से सरकारों के लिए क्षमता निर्माण, अनुसंधान और व्यावसायिक सहायता सेवाओं में इसे फिर से 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के रूप में नाम दिया गया। अगला है हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत वर्ष 1957 में भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च निकाय है। इसके उद्देश्य अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छे साहित्य उत्पादन और प्रोत्साहन करना है और इस तरह के साहित्य को जनता के लिए मध्यम कीमतों पर उपलब्ध कराना और पुस्तक सूचियों को सामने लाना, पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों और सेमिनारों की व्यवस्था करना है। NBT के निम्न उद्देश्य हैं, भारत का शास्त्रीय साहित्य प्रदर्शित करना, भारतीय भाषाओं में भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट रचनाएं और उनका एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, विदेशी भाषाओं से उत्कृष्ट पुस्तकों का अनुवाद करना, लोकप्रिय प्रसार के लिए आधुनिक ज्ञान की उत्कृष्ट पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित करना। NBT की प्रमुख गतिविधियों में गैर पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, पुस्तक मेलों का आयोजन, पुस्तक प्रदर्शनी, साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करना, बच्चों के लिए गतिविधियाँ प्रदान करना, पूरे देश में प्रकाशन में प्रशिक्षण, भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना, गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। अगला है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग। इस संस्थान की स्थापना 2004 में की गई थी। सरकार ने आयोग की स्थापना के लिए नवंबर 2004 में एक अध्यादेश
अध्यादेश लाई। बाद में दिसंबर 2004 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों ने विधेयक पारित किया। फिर NCMEI अधिनियम को जनवरी 2005 में अधिसूचित किया गया। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत निश्चित लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें विशिष्ट समय सीमा में हासिल किया जाना है। उच्च प्राथमिकता पर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आयोग को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में विशिष्ट शिकायतों को देखना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा। इस प्रकार आयोग अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के उल्लंघन और वंचित करने से संबंधित किसी भी शिकायत पर संज्ञान ले सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण फाउंडेशन। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण फाउंडेशन 1962 में धर्मांध अधिनियम ट्रस्ट के रूप में 1890 के तहत स्थापित किया गया था। फाउंडेशन का प्रबंधन और प्रशासन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक सामान्य समिति द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके कार्य क्या है? फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे शिक्षकों और उनके आश्रितों, उन पर उनके डिपेंडेंट्स जो है उनको राहत देना है जो आर्थिक परिस्थितियों में है। फाउंडेशन पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद और वे दार्शनिक स्वर्गीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन शिक्षकों के कल्याण के लिए धन संग्रह के लिए एक स्वैच्छिक अभियान भी आयोजित किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही।